हेलो दोस्तों, तो आ गया हूँ मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली आज हम लोग जितने टाइप के भी नंबर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर। आई नो आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये तीन नंबर तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये लोअर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल में कब बताएंगे, जब इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आज का वीडियो बस ऊपर ऊपर से उतना डीपली नहीं बताएंगे, पर बता देंगे हल्का फल्का, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो पढ़ने वाले हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन, नंबर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा लें और नोट डाउन करते रहेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे उतना याद नहीं रहेगा, इसलिए बेहतर है कि नोट्स बनाते रहिए, ताकि बाद में अगर कहीं भूल जाए तो पेज पलटे और याद आ जाए, दोबारा आके वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में, कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो भी नंबर वन से लेके इन्फिनिटी तक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, हंड्रेड, टू हंड्रेड, वन लाख, वन करोड़, ये सब मेरा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब आप बोलिएगा सर 10.5, ये भी तो मेरा वन इन्फिनिटी के बीच में ही आता है, तो क्या 10.5 मेरा नेचुरल नंबर होगा, नहीं, ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसका एक अलग कैटेगरी है। जब आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर नेचुरल नंबर बोलते हैं और किसको डेसिमल बोलते हैं। हाँ, ये मेरा वन इन्फिनिटी के बीच में आता है, लेकिन ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसका कैटेगरी अलग है, ठीक है ना, इसको नेचुरल नंबर मत समझ लीजिएगा। और जैसे कि हो गया 4/2, अब बोलेगा सर 4/2 में तो मेरा वन इन्फिनिटी के बीच में आता है, हाँ आता है, लेकिन ये मेरा फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है ना। इस टाइप के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। या फिर हो गया मेरे यहाँ पे 4/3, ठीक है, ये सब मेरा फ्रैक्शन नंबर, ये मेरा डेसिमल नंबर है, ये सब मेरा एक अलग पार्ट में आता है, इसको नेचुरल नंबर नहीं समझ लेना है, ठीक है ना। अब दूसरा टाइप का नंबर है जिसका नाम है होल नंबर, ठीक है। हाँ, और नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और कहाँ से कहाँ तक होता है, वन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब दूसरा नंबर है होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर किसको बोलते हैं, ये स्टार्ट होता है जीरो से और कहाँ पे जाए खत्म होता है, इन्फिनाइट में, इन्फिनिटी में जाए खत्म होता है। मतलब आप बोल सकते हैं जितना भी मेरा नेचुरल नंबर वो मेरा होल नंबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या कहता है, 1, 2, 3, 4, और होल नंबर मेरा होल नंबर में तो होल नंबर जो है वो भी तो मेरा 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है ना। बट डिफरेंस क्या है, ये मेरा जीरो से स्टार्ट होता है और ये मेरा वन से स्टार्ट होता है। और होल नंबर को किसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। और तीसरा नंबर है मेरा इंटीजर, इंटीजर, ठीक है ना। अब इंटीजर देखिए किसको बोलते हैं, ये मेरा स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर, जितना ही मेरा होल नंबर है और उसका नेगेटिव ऑफ होल नंबर, नेगेटिव ऑफ होल नंबर, ये मेरा क्या होगा, इंटीजर कहलाएगा। मतलब जितना भी मेरा होल नंबर है और इसका नेगेटिव लगा दीजिएगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर। जैसे कि -80, -40, -18, 0, 1, 2, 3, अभी ये सब मेरा क्या हो गया, होल नंबर हो गया, लेकिन ये सब मेरा क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ होल नंबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि होल नंबर और नेगेटिव ऑफ होल नंबर मिलकर क्या बनता है, इंटीजर बनता है। तो ये तीनों चीज क्या हो गया, हाँ, इंटीजर को किसे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं और इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब सर क्लासिफिकेशन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना जाने कि कौन सा नंबर को क्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर मेरा 1 से स्टार्ट होता है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, होल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक और इंटीजर मेरा माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। अब इसमें मेरा 4/3 नहीं आएगा, 5/2 नहीं आएगा, ये सब मेरा हो गया फ्रैक्शन नंबर, ठीक है ना। ये सब को इंटीजर नंबर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये सब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आता है, लेकिन ये सब मेरा अलग टाइप का नंबर है। सिंपल जो नंबर होता है वो सब को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। जो बाय में होता है या फिर जो डेसिमल फॉर्म में होता है वो सब इस तीनों के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। बात ना समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको करते ही रहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, जिसके बारे में इस चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका नाम है रैशनल नंबर, ठीक है। इसको ध्यान समझिए, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में हो, मतलब इसके जैसा दिखता हो, बट शर्त क्या है इसमें, जो मेरा p है वो मेरा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर नहीं बताया किसको बोलते हैं, p जो है मेरा इंटीजर का वैल्यू होना चाहिए और जो q है वो मेरा बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्या है, पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और पी जो है मेरा इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि -4, -3, -100, +100, 200, 300, 4, 5, 6, वो मेरा पी होना चाहिए। और क्यू जो है मेरा कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो क्यू हो गया तो मेरा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखे तो 4/8, 9/11, 6/5, ये सब मेरा क्या है, देखिए ये p by q के फॉर्म में है कि नहीं, p का वैल्यू कितना है इसमें, ये मेरा हो गया p और ये मेरा क्या हो गया q, इसमें मेरा ये हो गया मेरा p और ये मेरा हो गया q, तो है ना ये p by q के फॉर्म में। तो रैशनल नंबर हमेशा मेरा p by q के फॉर्म में रहेगा और शर्त क्या है इसमें, p जो है मेरा इंटीजर होगा और q मेरा जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गया, तो अब हमको बताइए क्या 4 रैशनल नंबर होगा, 5 रैशनल नंबर होगा, बताइए। तो पी बाय क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये रैशनल नंबर होगा, क्यों होगा, देखिए जब भी ऐसा नंबर आए 4, 5, 9, 11, ठीक है ना, ये सब मेरा रैशनल नंबर होगा, क्यों होगा, जब जिसके जब इस सब के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, खुद से 1 मान लेते हैं, 1 रहता है लेकिन लिखते नहीं है। जैसे कि 100 × 1 लिखे, ठीक है ना, तो भी 100 ही आएगा, या फिर 100 सिर्फ लिखे तो भी 100 ही आएगा, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखता है। लेकिन आपको आपको इमेजिन करना है कि नीचे 1 रहता है, तो ये मेरा p by q के फॉर्म में है कि नहीं, ये ऊपर वाला मेरा p वैल्यू हो गया, नीचे वाला मेरा q का वैल्यू हो गया। बात समझ में आया, तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। फिर से देखिए रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, p by q के फॉर्म में होना चाहिए और p जो है मेरा इंटीजर होना चाहिए और q जो है मेरा बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 0/1 और 1/0, ये दोनों मेरा रैशनल नंबर कौन होगा, कौन सा होगा रैशनल नंबर, ये होगा, क्योंकि देखिए p जो है मेरा जीरो है जबकि जीरो मेरा इंटीजर होता है और q जो है मेरा जीरो नहीं है, तो ये होगा मेरा रैशनल नंबर। ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे q का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। हम क्या बोले थे कि q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया, ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब आप बताइए 0.2 मेरा रैशनल नंबर होगा, 0.5 रैशनल नंबर होगा, इस टाइप का नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे मेरा 10 उतरेगा, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे मेरा 10 उतरेगा, तो अभी बताइए p by q के फॉर्म में है कि नहीं, इसलिए मेरा कोई भी डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, सब मेरा रैशनल नंबर होगा। मतलब ऑल इंटीजर नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल फ्रैक्शन नंबर, ऑल डेसिमल नंबर, ऑल आर रैशनल नंबर। बात समझ में आ गया, जितना भी इंटीजर नंबर हो, जितना भी डेसिमल नंबर हो, सब मेरा रैशनल नंबर होगा। जैसे कि तुम भी देख लो 0.58, ठीक है ना, अब तुम बोलोगे सर डेसिमल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर होगा, पॉइंट टाइम तो नीचे मेरा 2 जीरो बैठेगा ना, पॉइंट को जितना डिजिट होता है उतना जीरो नीचे बैठता है ना, तो ये मेरा p by q के फॉर्म में आया कि नहीं, बस हमको देखना है p by q के फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है ना। और ये सब ध्यान रखना, सिंपल नंबर जो कि 3, 4, 6, ये सब मेरा रैशनल नंबर होता है, इसके नीचे क्या रहता है, 1 लगा रहता है, ठीक है ना, बट हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। सर आई थिंक इसके बारे में आप लोग फर्स्ट बार ही सुन रहे होंगे, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। देखिए ये क्या इरेशनल नंबर, देखिए इसको अभी हम उतना डीपली नहीं बताएंगे। डीपली कब बताएंगे, जब इसका एक पर्टिकुलर वीडियो डालेंगे उसमें आपको डीपली बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता है। जो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए क्या ले ले, रूट टू। रूट टू किसे स्क्वायर है, रूट टू किसे स्क्वायर है, नहीं टू किसे स्क्वायर होता है, नहीं तो ये मेरा इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट सिक्स, रूट टेन, ये सब मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है ना। इस टाइप के नंबर क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और एग्जाम्पल जैसे कि रूट फोर्टी, रूट फिफ्टी नाइन, रूट 95, ये सब मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। ये सब मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। समझ में आएगा इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। बस इरेशनल नंबर देखिए और डिटेल में बताएंगे, बट अगर अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि जब इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा उसमें आपको हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है ना। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो समझ में आ गया इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं और एक इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सब कुछ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया कौन सा नंबर क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग करने वाले हैं नंबर्स का क्लासिफिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यह तो कहीं नहीं बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन बहुत कम जगह बताया जाता है, ना तो आपको स्कूल में बताया जाएगा, ना कोई इंस्टीट्यूशन में, ना कोई ट्यूशन में। इसलिए क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है, इससे आपको दिमाग खुल जाएगा कि कौन सा नंबर को क्या बोलते हैं और कौन सा नंबर किसके अंडर में आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर्स का। अब हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, नंबर से कैसे क्लासिफाई होता है, नंबर कौन सा नंबर किसके अंडर में आता है, ठीक है ना। तो पहला है मेरा योग्य मेरा नंबर, ठीक है, ये हो गया नंबर। अब नंबर्स हो गया, अब नंबर को मैंने दो टाइप में बांटा गया है, एक को बोलते हैं रियल नंबर और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए रियल नंबर किसको बोलते हैं, अब क्लास टेन तक जितना भी नंबर से डील कीजिएगा, जितना भी मैथ में जितना भी नंबर से डील कीजिएगा वो सब कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। ये सब इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसके नीचे आता है, ये सब रियल नंबर ही ना है। ये सारा नंबर में रियल नंबर के नीचे ही आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर पर ध्यान मत दीजिए, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपको कब पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस इतना नॉलेज रखिए कि नंबर्स का दो टाइप होता है, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर ही बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको कब पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ना है, इसलिए इसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोग रियल नंबर का। अब देखिए रियल नंबर है दो टाइप का, एक है रैशनल नंबर, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं रैशनल नंबर, और एक है मेरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ये मेरा p बाई q के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 4/5, 2, 0.2, ये सब मेरा हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया, रूट टू, रूट थ्री, रूट इलेवन, ये सब और भी बहुत नंबर होगा, ये सब मेरा हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए रैशनल नंबर का भी दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं इंटीजर और एक को बोलते हैं नॉन इंटीजर, ठीक है ना। एक को बोलते हैं इंटीजर और एक को बोलते हैं नॉन इंटीजर। तो इंटीजर में मेरा कौन कौन सा हो गया, -4, 0, 4, 1, 2, ये सब मेरा क्या आ गया, इंटीजर नंबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए जितना भी इंटीजर है वो सब मेरा रैशनल नंबर होगा, और जितना भी नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मेरा कौन कौन सा आएगा, इसका भी देखिए दो टाइप है, एक होता है फ्रैक्शन नंबर और एक है मेरा डेसिमल नंबर, ठीक है ना।
इसलिए हम तभी बोल रहे थे कि जितने फ्रैक्शन नंबर डेसिमल नंबर होता है वो मेरा इंटीजर नहीं होता। इसका ये सब किसके अंडर में आता है? नॉन इंटीजर के अंडर में आता, ठीक है ना। तो जितना भी मेरा इंटीजर नंबर है वो मेरा फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा, जितना भी मेरा नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर या फिर डेसिमल, जितना भी मेरा फ्रैक्शन नंबर डेसिमल नंबर है वो सब मेरा किसके अंडर में आएगा? रैशनल नंबर के बीच में। हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर, जितना भी रैशनल नंबर वो जरूरी नहीं कि मेरा वो इंटीजर होगा। जैसे कि 4/5 मेरा रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, समझ ना रहा है। और से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर आर ऑल नॉन इंटीजर, जैसे कि ऑल फ्रैक्शन एंड ऑल डेसिमल नंबर आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4 मेरा इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है, ना ही वो मेरा डेसिमल है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, इंटीजर का भी दो टाइप है, इंटीजर का भी कैटेगरी किया गया है। एक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक हो गया मेरा जीरो, और एक हो गया मेरा पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम लोग नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। अब देखिए, नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके, देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, वो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब जीरो तो हो गया जीरो। अब पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर आपको क्या बताए थे? 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीजर का 3 टाइप है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और एक पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आया। अब देखिए, जब ये दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको, तो एक नंबर बनता है, बताइए क्या बनेगा? होल नंबर। क्या बनेगा? होल नंबर, ठीक है, समझ में आया बात। अब इसके अंदर में आता है एक ऑड नंबर और एक आता है इवन नंबर। तो ये हो गया मेरा पूरा क्लासिफिकेशन नंबर का। क्या था? नंबर का दो टाइप है, रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ध्यान मत दीजिए, इसको भूल जाए, ठीक है ना। ये आपको लाइट 11 में पढ़ना है, जब 11 मैथ्स लेके पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, रियल नंबर दो टाइप का होता है, कि रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। तो ध्यान दीजिए, जितना भी मेरा इसके बाद है, इंटीजर, नॉन इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, ये पूरा नंबर मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ये सब मेरा रैशनल नंबर के ही ब्रांच में आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल फ्रैक्शन, ऑल डेसिमल आर रैशनल नंबर। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया मेरा नंबर्स का क्लासिफिकेशन, इस तरह नंबर का क्लासिफाई किया गया। अब दिमाग खुल रहा है कि कौन सा नंबर किसके अंडर में आता है, ठीक है ना। ये जितना मेरा नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये सब मेरा इंटीजर के नीचे आता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये तो हो गया मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब देखिए, आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाने वाले हैं, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक, समझ लीजिए, ये मेरा हो गया एक, ये मेरा हो गया क्या, एक गैलेक्सी मान लीजिए, गैलेक्सी है ना, एक मिल्की, हम लोग किसमें रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में। तो मान लीजिए ये मिल्की वे गैलेक्सी ही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, इस गैलेक्सी का नाम क्या है? नंबर्स, ठीक है ना। इस गैलेक्सी का नाम क्या रखे हैं? नंबर, ठीक है। ये मेरा एक पूरा गैलेक्सी हो गया, गैलेक्सी का नाम क्या है? नंबर, ठीक है ना। तो अब देखिए, इस गैलेक्सी के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, ठीक है ना। इसका नाम है रियल नंबर, इसका क्या नाम रखे? रियल। और एक बहुत ही छोटा सा है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक दो, एक गैलेक्सी के अंदर दो प्लैनेट है, एक का नाम है रियल नंबर और एक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जब इस प्लैनेट के अंदर गए तो इसमें हमको दो छोटा सा क्या बोलते हैं, कंट्री मिला, ठीक है ना। एक इतना बड़ा कंट्री था और एक छोटा सा कंट्री था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस कंट्री का नाम रखा गया था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और इस कंट्री का नाम रखा गया है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है ना। देखिए, एक पूरा गैलेक्सी है, अब गैलेक्सी के अंदर दो प्लैनेट है, एक का नाम है रियल नंबर और एक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल जब इस प्लैनेट के अंदर गए तो यहाँ क्या मिला? रैशनल नंबर मिला और एक इरैशनल नंबर का दो कंट्री मिला, ठीक है ना। एक कंट्री का नाम है रैशनल नंबर और एक कंट्री का नाम है इरैशनल नंबर। और जब इस कंट्री के अंदर गए तो एक छोटा सा स्टेट मिला, ठीक है ना, जिसका नाम था इंटीजर,
इसका क्या नाम था? इंटीजर। इसको यहां लिख देते हैं, इसका नाम था इंटीजर, ठीक है। जब इस स्टेट के अंदर गए, इंटीजर जो एक स्टेट है, ठीक है ना, इमेजिन कीजिए इंटीजर, इंटीजर जो एक स्टेट है इसके अंदर जब गए तो हमको एक मिला एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम था होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। जब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए तो छोटा सा गांव मिला, बहुत प्यारा सा गांव, जिसका नाम था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, बात समझ आ गया। तो यहाँ पे अब देखिए इसको बताने का मेरा मकसद क्या था, ये जो मेरा गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर मैं दो प्लैनेट थे, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, दो प्लैनेट था। इस प्लैनेट के अंदर गए दो, हमको इस कंट्री मिला, एक बड़ा सा कंट्री था जिसका नाम था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और एक का नाम था इरैशनल नंबर, ठीक है। अब उसके अंदर इस कंट्री के अंदर जब हम लोग गए तो हमको एक छोटा सा स्टेट मिला जिसका नाम था इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर के जब इस स्टेट के अंदर गए तो हमको एक मिला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए तो हमको मिला एक विलेज, ठीक है ना। अब मान के चलिए ये मेरा इंडिया है, ठीक है ना, इमेजिन कीजिए कि मेरा इंडिया है, ठीक है। और एक छोटा सा स्टेट है इसका नाम है बिहार, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितना लोग भी रहते हैं तो उसके हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल बिहारीज आर इंडियन, बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये लोग इंडिया के अंदर में ही रहते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल इंडियंस आर बिहारी, मतलब जो यहाँ पे भी है, इस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसके हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल इंडियंस आर बिहारी, लेकिन तो गलत है। लेकिन ऑल बिहारीज आर इंडियन बोल सकते हैं ना, ये तो सही है ना। सेम उसी तरह देखिए, जितना ही मेरा नेचुरल नंबर है, जितना ही मेरा नेचुरल नंबर होगा वो सब मेरा होल नंबर होगा कि नहीं, ठीक है, होल नंबर होगा कि नहीं। जितना ही मेरा नेचुरल नंबर है वो सब किसके अंदर आ रहा है? होल नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब जितना ही मेरा होल नंबर है, जितना ही मेरा होल नंबर है वो सब मेरा क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा। लेकिन जितना भी मेरा इंटीजर नंबर होगा वो मेरा होल नंबर नहीं होगा, लेकिन जितना ही मेरा होल नंबर होगा वो मेरा इंटीजर होगा। मतलब ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जैसे कि इंटीजर के कंट्री में रहते हैं -4, -3, ये सब मेरा हो गया, ये तो मेरा होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो इसके अंदर आएगा कौन कौन सा? 4, 0, 1, 5, ये सब मेरा गया होल नंबर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब जितना ही मेरा इंटीजर नंबर होगा, ऑल इंटीजर और रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर ही आ रहा है इंटीजर, तो जितना ही मेरा ऑल इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर। लेकिन 4 by 5, 4 by 5, 0.2, 6 by 5, ये सब मेरा क्या आ गया? ये सब मेरा इंटीजर नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग बाहर लिखे हैं। तो इंटीजर, लेकिन जितना भी इंटीजर नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। लेकिन बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर नंबर। सेम उसी तरह देखिए, ये मेरा हो गया रैशनल नंबर, जिसके अंदर इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर, ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब जो ये रियल नंबर है इसका दो टाइप बताते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। इतना समझ में आएगा आपको? मेरा बस इस ये दिखाने का मतलब, मेरा मेन मकसद था कि रैशनल नंबर के अंदर मेरा इंटीजर आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर, ठीक है ना। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान मत दीजिए, या तो 11 में पढ़ना है, 10 तक आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज, ठीक है ना। तो इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और रैशनल नंबर और इरैशनल आपको जब इसका पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे उसमें और डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत कुछ पढ़ना है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अभी आप, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और डिटेल में पढ़ेंगे, और उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।